हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ज़बरदस्त कंपैरिजन वीडियो, जिसमें मैं आपको कंपेयर करके बताने वाला हूं बजाज का रूम हीटर और ऑर्पेड का रूम हीटर। ये दोनों ही ब्लोअर टाइप वाला रूम हीटर है। तो आज के वीडियो में मैं आपको इसका सारा बारीकी चीज़ आज के वीडियो में बताने वाला हूं। तो हे गाइस, मेरा नाम है अनीस एंड यू आर वॉचिंग सोलंकी जी टेक्निकल। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। इससे मेरे अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको ये रूम हीटर लेना होगा, चाहे बजाज का लेना हो या ऑर्पेड का लेना हो, तो इन दोनों का ही बाइंग लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, अभी चल रहा है ठंडी का मौसम और ठंडी में हमको वार्म होने के लिए एक रूम हीटर का रिक्वायर्ड होता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये दोनों रूम हीटर का कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा, आपको जो भी सही लगे आप वो ले सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके ड्यूरेबिलिटी के बारे में। तो देखिए, आपको बजाज में आपको मेटल फ्रेम मिल जाता है और ऑर्पेड में आपको प्लास्टिक फ्रेम मिल जाता है। बस दोनों में आपको फ्रेम का डिफरेंस मिल जाता है। इसमें आपको मेटल फ्रेम मिलता है तो इसका जो फ्रेम का क्वालिटी है काफ़ी अच्छा हो जाता है। मतलब ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से देखें तो जो मेटल है वो टूटता नहीं है, ना ब्रेक होता है ना। तो अगर उसके लिहाज से देखेंगे तो ड्यूरेबिलिटी के मामले में आपको बजाज को लेना चाहिए। लेकिन आपको मैं एक बात ये भी बताना चाहता हूँ, ऑर्पेड का जो है, इसको मेरे को 2 साल हो गया यूज़ करते, इसमें ज़रा सा भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। इसका भी प्लास्टिक का क्वालिटी काफ़ी बेहतर है और इसमें आपको किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ड्यूरेबिलिटी की लिहाज से देखें तो आपको बजाज लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्राइस के बारे में। तो दोस्तों, इसमें आपको मेटल फ्रेम दिया गया है तो इसका प्राइस है, ऑब्वियस सी बात है कि आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपको 1800 से 1900 के बीच में आपको इसको लेना पड़ेगा। और जो ऑर्पेड का है वो आपको 900 से 1100 के आसपास में मिल जाएगा। यानी कि जो बजाज का है जस्ट आपसे डबल पैसा ले रहा है, क्योंकि इसमें आपको वो मेटल फ्रेम दिया है तो बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा अच्छा देगा, तो आपको पैसा भी ज़्यादा अच्छा देना पड़ेगा। लेकिन ऑर्पेड मेरे को ज़्यादा सही लगा, मेरे को प्राइस के लिहाज से ये जस्ट डबल में आता है और ये जस्ट उसके हाफ में आता है। तो प्राइस के लिहाज से देखें दोस्तों, तो मेरे को ऑर्पेड ज़्यादा पसंद आया और आपको ऑर्पेड लेना चाहिए अगर आपको प्राइस कंसीडर करना है तो प्राइस के हिसाब से आपको ऑर्पेड लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसमें कितना मोड मिलता है। तो दोस्तों, दोनों में ही इक्वल मोड मिल जाता है, बट इसमें आपको रोटेटरी सिस्टम में मिल जाता है और इसमें आपको बटन सिस्टम में मिल जाता है। आप देख सकते हैं, इसमें अगर आपको फ़ैन चालू करना है तो कूल में आपको डाउन कर देना है, अगर आपको 1000 वाट चाहिए तो वार्म में कर दीजिए, अगर आपको 2000 वाट चाहिए तो आपको इसको हॉट में दबा देना है तो ये 2000 वाट में चला जाएगा। तो आपको कुछ ऐसे यूज़ करना है। ऑर्पेड में आपको रोटेटरी सिस्टम में दिया गया, जैसे कि अभी ऑफ कंडीशन में है, ये कूल मोड हो गया, यानी कि सिर्फ फ़ैन ऑन हो गई इसमें, ये 1000 वाट और ये 2000 वाट। तो ऑर्पेड में आपको ऐसा मिलता है, दोनों में आपको इक्वल मोड दिया गया है। अब हम बात करते हैं इसके फ़ैन साइज के बारे में। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये है बजाज का, तो बजाज का जो फ़ैन साइज है वो आपको थोड़ा बड़ा मिल जाता है। ये देखिए, इतना बड़ा आपको फ़ैन साइज दिया गया है। और वहीं हम इसकी बात करें ऑर्पेड का, तो ऑर्पेड का कुछ इतना बड़ा आपको फ़ैन साइज दिया गया है। तो फ़ैन साइज के मामला में आपको ऑर्पेड छोटा लगेगा बजाज से, तो बजाज का फ़ैन साइज काफ़ी बड़ा आपको मिल जाता है कंपेयर करेंगे ऑर्पेड से तो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसका फ़ैन साइज ज़्यादा बड़ा है तो ये ज़्यादा हीटिंग करता होगा और इसे कम हीटिंग करता होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब हम बात करते हैं हीटिंग के बारे में कि कौन सबसे ज़्यादा हीटिंग करता है। तो दोस्तों, दोनों का हीटिंग मेरे को इक्वल लगा, ना किसी का ज़्यादा ना किसी का कम, मेरे को इक्वल ही लगा दोनों का। इसको तो मैं 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, इसको तो अभी यूज़ कर रहा हूँ, बट मेरे को हीटिंग दोनों का ही इक्वल लगा। वो कैसे आपको बताता हूँ। देखिए, ये है बजाज का, बजाज का जो हीटिंग मैश है, आप उसका साइज देखिए और इसका साइज देखिए ऑर्पेड का, दोनों का साइज इक्वल है दोस्तों, दोनों का ही साइज इक्वल है। अगर ये ज़्यादा बड़ा रहता तो ये ज़्यादा हीटिंग करता, दोनों का साइज बड़ा है, बस जो ये फ़ैन है ये चलता है तो ये ब्लो होता है, जो भी गर्म हवा रहता है वो हम तक पहुंचता है। वैसे सेम इसमें, तो दोनों का हीटिंग मेरे को सिमिलर लगा, किसी में ना ज़्यादा किसी में कम, मेरे को इक्वल लगा हीटिंग। अब हम बात करते हैं इसके स्टैंड के बारे में। तो दोस्तों, जो बजाज है इसमें आपको स्टैंड का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको इसको ऐसे इस टाइप के मोड में रखना है तो आप इसको ऐसे रख सकते हैं, और अगर आपको इसको डायरेक्ट
स्ट्रेट रखना है तो आप स्ट्रेट इसमें रख सकते हैं। लेकिन ऑर्पेड में आपको कुछ ऐसा स्टैंड का ऑप्शन नहीं मिलता, इसमें आपको इनबिल्ट आपको ऐसा उठा हुआ मिलता है। तो अगर आपको ये सारा फीचर चाहिए तो आप बजाज कंसीडर कर सकते हैं। और अगर आपको एक पोर्टेबल छोटा सा जिसको आप इजीली ऐसे पकड़ सके तो आप ऑर्पेड लीजिए दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि दोनों में से कौन सा लेना चाहिए। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको सारा पॉइंट्स बता दिया है, आपको जो भी मतलब रिक्वायरमेंट होगा, आपका जैसा भी रिक्वायरमेंट होगा तो आप उस हिसाब से ले लीजिए। मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने ऑर्पेड का लिया था और ये आज तक 2 साल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आया, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं आया। इजी टू कैरी, इजी टू पोर्टेबल, आप इसको झोला में भी पकड़ सकते हैं, आप देख सकते हैं 2 उंगली में भी पकड़ सकते हैं, बट इसको आप 2 उंगली में बिल्कुल नहीं पकड़ सकते, काफ़ी ज़्यादा भारी है ये। और वायर की क्वालिटी की बात करें तो आप देख सकते हैं ये है बजाज का वायर और ये है किसका वायर, ऑर्पेड का वायर। तो वायर दोनों का ही सिमिलर है दोस्तों, दोनों ही अच्छे क्वालिटी में आता है। दोनों के लिए आपको 16 एम्पियर का सॉकेट रिक्वायर होता है, दोनों के लिए आपको 16 एम्पियर का सॉकेट लगेगा ही लगेगा, ये आपका 6 एम्पियर 10 एम्पियर सॉकेट में नहीं लगेगा। तो आपको इसके लिए 16 एम्पियर का सॉकेट दोनों में ही रिक्वायर्ड है। चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ दोनों को ही। सबसे पहले मैं आपको बजाज को ऑन करके दिखाता हूँ। तो चलिए मैंने यहाँ से बटन ऑन कर दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको इसको कूल मोड में आपको चालू करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसको वार्म और हॉट मोड दोनों में ही, यानी कि तीनों में ही चालू करके दिखाता हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम इसको चालू करते हैं कूल मोड में। ये देखिए, देखिए तो अभी ये कूल मोड में चल रहा है और इसमें कुछ इतना आवाज़ आता है, ज़्यादा आवाज़ नहीं आता, जैसे फ़ैन चलता है वैसे ही आपको आवाज़ मिलता है। अब मैं इसको आपको वार्म मोड में चालू करके दिखाता हूँ। जैसे ही आप इसको वार्म मोड में लगाएंगे ये हल्का हल्का आपको गर्म हवा देना चालू कर दिया है। थोड़ा देर बाद ये थोड़ा और इसका जो, जैसे ये हीटिंग होगा इसका जो एलिमेंट, जो इसका मैफ जाली है, उसके बाद और आपको गर्म हवा देगा। और अगर आपको और ज़्यादा हॉट हवा चाहिए, वार्म हवा, तो आप इसको 2000 वाट में शिफ्ट कर दीजिए, उसके बाद ये 2000 वाट के हिसाब से आपको गर्म हवा देगा। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। अब मैं आपको ऑर्पेड का जो रूम हीटर है उसको आपको चालू करके दिखाता हूँ। इसको मैं 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए अभी ये ऑफ मोड में है, अब मैं इसको ऑन करूँगा तो देखिए इसका फ़ैन चालू हो गया और यहाँ पर से अभी ये कूलिंग हवा अभी आपको दे रहा है। ये देखिए ये आपको कूलिंग हवा दे रहा है। जैसे हम इसको 1 में शिफ्ट करेंगे यहाँ पर से, तो ये गर्म हवा देना ये भी चालू कर दिया। और आपको बहुत ज़्यादा गर्म हवा चाहिए तो आप इसको 2000 वाट पे शिफ्ट कर दीजिए, ये 2000 वाट के हिसाब से आपको बहुत ही गर्म हवा देना चालू कर देगा। दोस्तों दोनों ही सिमिलर है, दोनों ही 2000 वाट वाला है, ये भी 2000 वाट पे वर्क करता है, ये भी 2000 वाट पे वर्क करता है। दोनों में ही आपको 3 मोड मिल जाता है, कूल 1000 वाट 2000 वाट, इसमें भी आपको कूल 1000 वाट और 2000 वाट आपको मिल जाता है। तो ये रहा, मैंने आपको इसको ऑन करके भी इसका डेमो दिखा दिया है। एक मिनट, इसको आपको इसका जो साउंड है वो कितना आता है ये भी आप देख लीजिए। तो दोस्तों अगर आपको ये रूम हीटर लेना होगा, चाहे बजाज का लेना हो तो आप बजाज का ले सकते हैं, ऑर्पेड का लेना हो तो ऑर्पेड का ले सकते हैं। ये आपको हाफ़ प्राइस में मिल जाएगा और ये आपको वही बताया जैसे कि मैंने 1800 से 1900 और ये आपको 900 से 1100 के आसपास में ही आपको मिल जाएगा। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको परचेज़ कर सकते हैं और ठंडी में गर्मी का मज़ा ले सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यही था, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।